हाय गाइस, दिस इज मोइंग फ्रॉम एमकेलैब हैकर्स। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं टीपी-लिंक का रेंज एक्सटेंडर वाईफाई राउटर, जो 300 Mbps का है। रेंज 100 Mbps तक की बजाय। लेट्स अनबॉक्सिंग, पहले से देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। 300 Mbps ऑन 2.4 GHz के बैंड पे काम करता है, अगर आप देख सकते हो तो। और एग्जिस्टिंग राउटर कवरेज है, एक्सपेंडेड एक्सटेंडर कवरेज है, ठीक है। इसी कॉस्ट अराउंड इस पे दिया है MRP कुछ 2999, और हमारे को पड़ा है ये राउटर 1500 में। लेट्स अनबॉक्सिंग, बोला गया इजी सेटअप है। हमने आपको एक वीडियो बताया था पहले से पहले अनबॉक्सिंग की, जिसमें हमने एक वाईफाई टीपी-लिंक का वाईफाई राउटर अनबॉक्स किया था। अभी हुआ ये कि वो राउटर रेंज कवर नहीं कर रहा, उसकी जितनी एरिया और उतने उधर तक ही कवर करता है। अब मेरे पास प्रॉब्लम ये थी, एक और राउटर लेना, आपके कनेक्शन करना, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो अभी हमारे ऑप्शन ये सबसे बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप अपने राउटर एग्जिस्टिंग जो राउटर है उसकी रेंज आप कैसे बढ़ा सकते हो। मैंने इसको ऑलमोस्ट खाली कर दिया है। लेट्स सी, ओह इट्स लुक ब्यूटीफुल लाइक एंड्रॉइड लोगो, इट्स लुक लाइक अ स्मॉल रोबोट। वाओ गुड, सो स्मॉल सो कंपैटिबल। एक और ऑर्डर काफ़ी अच्छा लगा है, और ये इसके दो एंटेनाज हैं, ऊपर WPS का बटन दिया है, एक सिग्नल और एक पावर बटन। इधर हमारा सॉकेट है, और इधर मैक आईडी दिया है, और नीचे आपको मिलता है एक रेजेक बटन और एक इथरनेट केबल के पोर्ट। साइड में रखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। कुछ नहीं रखे यहाँ, ओके। हमारे को कुछ भी नहीं मिला है, थर्मा वाला एक्चुअली कुछ नहीं है। और अंदर क्या है, क्विक गाइड, टेक्निकल सपोर्ट, वारंटी कार्ड एक्सेट्रा समथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस क्या थोड़ा आपको बताना चाहूँगा वाईफाई राउटर के बारे में। हम साइड में रखते हैं, ये राउटर सही दिया इसमें, एटलीस्ट डायरेक्ट प्लग इन दिया है, प्लग इन प्ले, तो आप डायरेक्ट प्लग कर सकते हो। और थोड़ी एरिया आपको एक एक्स्ट्रा अडेप्टर की ज़रूरत नहीं, और ये कंपनी का है, तो आपको टेंशन, आपको अक्सर देखोगे आपने अडेप्टर जो कंपनी के मिलते हैं एक्सटर्नल, उसके वायर डैमेज हो जाता है या समथिंग अडेप्टर उड़ जाता है, वो राउटर के हिसाब से वो सही है, आप बदलवा सकते हैं सकता है। लेकिन ये आपके लिए बहुत सही है, सिर्फ कहीं आप भी जा सकते हो, अगर आप बेडरूम में गए, हॉल में गए, तो आपको बार बार वायर कनेक्शंस, अब राउटरों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये आप अगर समझे आपको एक्सटेंड करना है, ये रूम से वो रूम में करना है, रेंज ज़्यादा चाहिए, तो आप अपने रूम में आके लगा सकते हो, इससे आपको अच्छा खासा रेंज मिलेगा और वाईफाई की परफॉर्मेंस अच्छी दिखेगी। ओके यस, नेक्स्ट एरिया एंटेना ऑलमोस्ट फुल 360 नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि प्लग इन मिलेगा, दोनों सेम ही है, इधर ब्लॉक हो जाता है। आपको दिया नहीं है, टीपी-लिंक का है, मैं इसको सेटअप करूँगा, देखूँगा, आपको ज़रूर उसके रिव्यूज़ बताऊँगा कि कैसा है। ओके थैंक यू, बाय।